स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के अवसर पर बेटमा नगर के स्थानीय निजी गार्डन में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। वरिष्ठ जनों ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सबसे युवा देश है, यहाँ के युवा पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। भारत के युवाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इस प्रभाव के लिए स्वामी विवेकानंद जी आज भी युवाओं के सबसे बड़े आदर्श के रूप में विद्यमान हैं। स्वामी जी की पहचान एक यूथ आइकॉन के रूप में होती है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के युवा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ऊर्जा से भरा हुआ मन है और एक चीज आजकल युवाओं में आ रही है, स्वामी जी के बारे में बहुत बताया, पर मैं एक व्यक्ति मानते थे, वो एक व्यक्ति ना होकर के एक देवी शक्ति के रूप में आज हमारे भारत का गौरव उन्होंने विश्व में बढ़ाया, हिंदी और हिंदुत्व को विश्व को दिखाया। चारों से एक संदेश दिया था कि यह परम वैभवशाली राष्ट्र 21वीं सदी में इस विश्व का नेतृत्व करेगा और उस संदेश को आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को पहुंचाकर उसे सिद्ध किया कि बिल्कुल यह देश इस विश्व का नेतृत्व करेगा। और युवा शक्ति के लिए जो संदेश दिया था, उस युवा शक्ति के संदेश को हम सभी को, ये देश हमारा है, ऐसे गुलाम भारत में एक स्वाभिमान के सूर्य के रूप में उठ रहे और सारी दुनिया में छा गए, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। जो कार्यक्रम है 12 जनवरी को पूरा देश युवाओं के में स्वामी विवेकानंद जी के विषय में मनाता है, जयंती में मनाता है पूरा देश। और आज हम युवा मोर्चा गुरु नानक मंडल बेटमा द्वारा हमारा जो कार्यक्रम है युवा द्वारा मनाया गया है और वहाँ पे वरिष्ठ नेतागण आके अपने अपने मार्गदर्शन दे गए हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बेटमा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, सभी नेतागण एवं सभी युवा साथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर युवा दिवस के रूप में मनाया गया। धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ नेतागण का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और साथ ही युवा मोर्चा की आगे की रूपरेखा तैयार की गई। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।